स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया है, द मून, जो एक पोयम थी। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है व्हाट इज दिस। व्हाट मींस क्या, दिस मतलब यह है, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट। व्हाट मींस क्या होता है बच्चों, क्या, और दिस मीन्स यह है। तो ये क्या बन गया बच्चों, यह है, क्या है। चलो अब हम हमारा चैप्टर करते हैं। राजन, ये दो बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। पहला बच्चा है आर ए जे ए एन, राजन। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज दिस, मैंने अभी बताया, व्हाट मींस क्या, एंड दिस मींस यह है। इसमें इस भी है बच्चों, जिसका होता है यह है, क्या है, ये एक पिक्चर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो बच्चा है वो है रोहन, आर ओ एच ए एन। अगला बच्चा कौन है बच्चों, रोहन। और रोहन क्या कह रहा है, इट इज ए टब। ये क्या है बच्चों, इट इज टब, ये क्या है, टब है। टब आपको पता होगा, आपके घर में भी होगा बच्चों, जिसमें हम पानी डालते हैं, बाथिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, टब। राजन पूछता है, इज देयर ए किटन, देयर मीन्स बच्चों यहाँ, देयर मीन्स यहाँ, टी एच ई आर ई, देयर मीन्स यहाँ, इज देयर ए किटन। अब बच्चों किटन कौन होता है, किटन आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा क्लासेस में, किटन किसके बच्चे को कहते हैं, कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन। द बेबी ऑफ कैट इज कॉल्ड किटन, कैट के बेबी को क्या कहेंगे, किटन। तो वो पूछ रहा है, इज देयर ए किटन इन द टब, क्या टब के अंदर एक बिल्ली का बच्चा है। अब रोहन कह रहा है, नो नहीं, देयर इज नॉट, यहाँ वो नहीं है, देयर इज ए कब इन द टब। कब क्या होता है बच्चों, सी यू बी, कब, सी यू बी, कब किसके कहते हैं, शेर के बच्चे, शेर का बच्चा, शेर का बच्चा कौन होता है, कब। शेर के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, द बेबी ऑफ लॉयन इज कॉल्ड कब। तो ये किसका बच्चा है, वो कह रहा है नहीं, ये वो नहीं है, देयर ए कब इन द टब, टब के अंदर कौन है बच्चों, किसका बच्चा है, शेर का बच्चा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इन लाइनों को अच्छे से पढ़ना है, और जो वर्ड मीनिंग मैंने बताए हैं उनको लिखकर आपको याद करना है कि, और दो बातें इसमें याद करनी है कि कैट के बेबी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, और लायन के बेबी को क्या कहते हैं। थैंक यू।